हमें ये दिखाना था कि इंडिया में भी इनोवेशंस हो रहे हैं। ये पूरा का पूरा मेड इन इंडिया है। हमने रिसर्च डेवलपमेंट, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है एयर फ्रेम की, पूरी इन हाउस की हुई है। पेलोड, ये 50 kg का पेलोड 100 किलोमीटर के रेंज में आपको डिलीवर कर सकता है। छोटे और मीडियम साइज पैकेजेस बहुत तेजी से आपको और सेफली डिलीवर कर सकता है। तो ये है क्लासिफाइड एज इंडियाज लार्जेस्ट ड्रोन। 3x3 मीटर के साइज का है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये जो आगे के 4 मोटर है और ये जो पीछे के 4 मोटर है, आपको वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में मदद करते हैं ड्रोन के जैसे। और ये जो 4 मोटर आगे है, हॉरिजॉन्टल क्रूज में आपको मदद कर दे। एविएशन मिनिस्ट्री के अभी ग्रीन सिग्नल मिला है या अभी ट्रायल बेसिस पे? हाँ, तो अभी हमारी फ्लाइट टेस्टिंग चल रही है, तो फ्लाइट टेस्टिंग के बाद हम सर्टिफिकेशन करेंगे, उसका प्रोसेस भी शुरू हो चुका है और फिर मार्केट में कमर्शियली अवेलेबल हो जाएगा। एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट आप कर रहे हैं एनईपी के तौर से, तो यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का इसका क्या मेन मोटो? बिल्कुल, तो हमें ये दिखाना था कि इंडिया में भी इनोवेशंस हो रहे हैं। ये पूरा का पूरा मेड इन इंडिया है। हमने रिसर्च डेवलपमेंट, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है एयर फ्रेम की, पूरी इन हाउस की हुई है। तो हम बढ़ावा देना चाहते थे कि स्टूडेंट्स को भी, कि आप इंडिया में इनोवेशन कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप सस्टेनेबली कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। और ऐसी कंपनीज भी है जहाँ भी एनकरेज किया जाता है। कांग्रेचुलेशन फॉर योर इनिशिएटिव। थैंक यू।